वेलकम टू ऑन टेक। मैं मनिंदर गोसाल। आज मैं आपको फाइंड टूल का यूज करके बताऊंगा। फाइंड टूल एक लिनक्स में प्रिंसिपल टूल है, जिस टूल के मदद से आप लिनक्स में बहुत सारे तरीके का यूज करके फाइल और डायरेक्टरी को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं फाइंड टूल का यूज करके। फाइंड टूल का हेल्प चेक करने के लिए आप फाइंड हेल्प कमांड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी फाइल को चेक करने के लिए हम फाइल लिखेंगे, हाइफन नेम देंगे, उसके बाद फाइल का नाम लिखेंगे। इसके बाद हम किसी भी फाइल को डायरेक्टरी में सर्च करना चाहते हैं तो हम फाइल लिखेंगे और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम देंगे, उसके बाद हाइफन नेम लिख के फाइल का नाम लिख देंगे। इसको तो हम किसी भी डायरेक्टरी को सर्च करने के लिए हम लिखेंगे फाइंड हाइफन टाइप, टाइप में हम डी देंगे मतलब डायरेक्टरी, उसको हाइफन नेम लिख के हम जिस डायरेक्टरी को सर्च करना चाहते हैं उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारे सामने डायरेक्टरी सर्च होके आ गया है। इसको तो हम किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए लिखेंगे फाइंड हाइफन टाइप, उसके बाद टाइप में देंगे एफ मतलब फाइल, उसके बाद हाइफन नेम लिख के हम जिस भी फाइल को सर्च करना चाहते हैं उस फाइल का नाम देंगे। इसके बाद किसी भी डायरेक्टरी में या हमारे पूरे कंप्यूटर में फाइल को सर्च करने के लिए हम फाइल के एक्सटेंशन का यूज करेंगे। इसके लिए आप लिखिए फाइंड हाइफन टाइप, टाइप में एफ लिखिए मतलब फाइन, उसके बाद आप लिखिए हाइफन नेम, नेम में सेमीकोलन के अंदर आप लिखिए स्टार, उसके बाद आप जिस भी फाइल के एक्सटेंशन का यूज करके फाइल को सर्च करना चाहते है उस फाइल का एक्सटेंशन दीजिए। मैं यहाँ पे टीएक्सटी दे रहा हूँ, उसके बाद आप एंटर प्रेस कीजिए और देखिए हमारा सामने फाइल सर्च होके आ गया है। तो इसके बाद हम फाइल को सर्च करने के लिए फाइल का नंबर ऑफ परमिशन का यूज करेंगे। ये परमिशन नंबर मतलब जैसे कि किसी फाइल का रीड राइट एंड एग्जीक्यूट का परमिशन है तो उस फाइल का परमिशन नंबर होगा 777, और जैसे कि किसी फाइल का रीड एंड राइट का परमिशन है बट उसका एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है तो उस फाइल का परमिशन नंबर होगा 644। इन परमिशन नंबर को समझने के लिए आप गूगल कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर 10 से 20 कमेंट आता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो परमिशन नंबर का यूज करके फाइल को सर्च करने के लिए आप लिखिए फाइंड हाइफन टाइप, टाइप में दीजिए एफ, एफ मतलब फाइल, उसको लिखिए पीआरएम हाइफन पीआरएम मतलब परमिशन, उसको मतलब परमिशन नंबर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए हमारे सामने फाइल आ गया है। तो इसको तो फिर से लिखिए फाइंड हाइफन टाइप, टाइप में आप एफ दीजिए इसको मतलब फाइल, उसके बाद लगे एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद हाइफन पी आर एम, उसके बाद परमिशन नंबर दीजिए। तो इस कमांड का मीनिंग क्या है? तो देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक चीज ऐड किया है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस कमांड का मीनिंग है कि मुझे वो फाइल दिखाओ जिस फाइल का परमिशन नंबर 77 नहीं है। तो इसको तो एंटर प्रेस कीजिए। सो देखिए हमारे सामने सारे फाइल आ गया है। अगर हमें ये पूरे कंप्यूटर में देखना है तो इसके लिए आप यहाँ पे रूट सिंबल लगाइए और एंटर प्रेस कीजिए। तो इसको हमें ये दिखाओ कि हमारे पूरे कंप्यूटर में कितने सारे फाइल का रीड परमिशन है। तो ये सब देने के लिए इसके लिए आप लिखिए फाइंड, उसके बाद रूट का सिंबल दीजिए स्लैश, उसके बाद हाइफन पीआरएम परमिशन, उसके बाद स्लैश यू इक्वल टू आर मतलब रीडेबल, उसको एंटर प्रेस कीजिए और देखिए हमारे सामने सारे फाइल आ गया है। तो इसको हम ये देखेंगे कि हमारे पूरे कंप्यूटर में कितने सारे फाइल का एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। तो इसके लिए आप लिखिए फाइंड रूट का सिंबल दीजिए, इसके बाद हाइफन पीईआरएम परमिशन, उसके बाद स्लैश लिख के ए इक्वल टू एक्स, उसको एंटर प्रेस कीजिए। और ये देखिए हमारे सामने सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल का लिस्ट आ गया है। तो अगर हमें अपने पूरे कंप्यूटर में सारे एम्प्टी डायरेक्टरी को फाइंड करना है तो इसके लिए आप लिखिए फाइंड, इसके बाद रूट का सिंबल दीजिए, उसके बाद हाइफन टाइप दीजिए, टाइप में हम डी लिखेंगे डी मतलब डायरेक्टरी, उसके बाद हाइफन देके एम्प्टी लिखिए और एंटर प्रेस कीजिए। और ये देखिए हमारे सामने सारे एम्प्टी फाइल का लिस्ट आ गया है।
और ये देखिए मैंने जो एम्प्टी डायरेक्टरी बनाया था वो हमारे सामने आ गया है। इसके बाद मैं एक एम्प्टी फाइल बनाऊंगा और सर्च करके दिखाऊंगा। और ये देखिए हमारे सामने एम्प्टी फाइल भी सर्च होके आ गया है। तो इसके बाद हमें अपने कंप्यूटर में हिडन फाइल को सर्च करने के लिए हम लिखेंगे फाइंड, इसका टाइप देंगे टाइप में एफ, एफ मतलब फाइल, उसके बाद नेम लिख के सेमी कोलन के अंदर डॉट स्टार लिख के इंटरप्रेस करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और अगर हमें ये पूरे कंप्यूटर में हिडन फाइल को सर्च करना है तो हम यहाँ पे रूट सिंबल लगा देंगे। तो इसके बाद हम टाइम का यूज करके फाइल को सर्च करना है, मतलब हमें ये दिखाओ कि लास्ट 60 डे में हमारे कंप्यूटर के अंदर हमने कितने सारे फाइल को मॉडिफाई किया है। तो इसके लिए आप लिखिए फाइंड, उसके बाद रूट का सिंबल दीजिए, उसके बाद लिखिए हाइफ़न एम टाइम, उसके बाद आप जितने दिनों के लिए सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखिए। मैं यहाँ पे 60 लिखूंगा क्योंकि मुझे सर्च करना है लास्ट 60 डे में हमारे कंप्यूटर में कितने फाइल मॉडिफाई हुआ है, हमें ये दिखाओ। तो इसके बाद इंटरप्रेस करेंगे और ये देखिए लास्ट 60 डे में हमारे कंप्यूटर में इतने सारे फाइल मॉडिफाई हुआ है, ये पूरा इसका लिस्ट है। इसके बाद अगर हमें ये फाइंड करना है कि लास्ट 60 डे से लेके लास्ट 100 डे के अंदर जो जो फाइल मॉडिफाई करना है हमें वो फाइल फाइंड करना है, तो हम इसके लिए लिखेंगे फाइंड, उसके बाद रूट का सिंबल दीजिए, उसके बाद हाइफ़न एम टाइम लिखिए, उसके बाद प्लस 60 लिखिए, और इसके बाद आप फिर से एम हाइफ़न एम टाइम लिखिए और माइनस 100 डे लिखिए और इंटरप्रेस कीजिए। और ये देखिए हमारे सामने सारे मॉडिफाई फाइल का लिस्ट आ गया है। तो इसके बाद अगर हमें लास्ट 1 आवर के अंदर कितने सारे फाइल चेंज हुआ है तो ये सर्च करने के लिए हम लिखेंगे फाइंड, उसके बाद रूट का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद देंगे सी एम आई एन, इसके बाद हाइफ़न 60 मिनट लिखेंगे, 60 मिनट मतलब 1 आवर होता है, तो यहाँ पे हम 60 लिखेंगे और इंटरप्रेस कीजिए। देखिए हमारे सामने सारे फाइल का लिस्ट आ चुका है। और उसके बाद अगर हमें लास्ट 1 आवर के अंदर सारे मॉडिफाइड फाइल को देखना है तो हम यहाँ पे सी हटा के एम लगा देंगे और हमें यहाँ पे सारे एक्स फाइल को देने के लिए हम यहाँ पे एम हटा के ए लगा देंगे। तो इसके बाद हम फाइल का साइज का यूज करके फाइल को सर्च करेंगे। तो इसके लिए आप लिखिए फाइंड, उसके बाद रूट का सिंबल दीजिए, उसके बाद हाइफ़न साइज, और साइज यहाँ पे मैं 50 MB दे रहा हूँ, मतलब 50 MB के रेंज के अंदर हमारे कंप्यूटर में जितने भी फाइल है हमें वो दिखाओ। इसके बाद अगर हमें 50 MB से लेके 100 MB तक जो जो फाइल है वो दिखाओ, तो इसके लिए लिखिए आप फाइंड, उसके बाद रूट का सिंबल दीजिए, उसके बाद हाइफ़न साइज लिख के प्लस 50 MB लिखिए, उसके बाद फिर से हाइफ़न साइज लिख के माइनस 100 MB लिखिए। सब ऐसे ही बहुत इजीली फाइंड कमांड का यूज करके लिनक्स में फाइल और डायरेक्टरी को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये कमांड यूज करने में थोड़ा भी डिफिकल्टी लगे तो आप मेरा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उस सॉफ्टवेयर का नाम है फाइंडर। तो सॉफ्टवेयर का यूज करके आप लिनक्स में बिना कोई कमांड का यूज करे लिनक्स में फाइल और डायरेक्टरी को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। So friend, that's all for today. See you next time.